घर को साफ सुथरा रखना किसे पसंद नहीं है, और वो भी इफेक्टिव वे से और राइट टाइम पे राइट क्लीनिंग प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग है। तो आज हम जानेंगे किसके लिए पूरे घर की सफाई करेंगे और किसके लिए मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट को किस क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। सारे ही DIY हो या फिर बाहर से परचेस किए हुए जो भी क्लीनिंग स्प्रे हो गया, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा कंप्यूटर टेबल है जिसे हमने थोड़ा वॉल स्टिकर लगा के थोड़ा अच्छा सा किया था, और आप मैंने वो वीडियो शेयर भी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्विचेस वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है, कुछ इस तरह का लैपटॉप टैबलेट वगैरह हो गया, तो उसके लिए ये मैं क्लीनिंग पूरी किट है वो यूज़ करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पूरी किट मिलती है इस तरह से, जो एक हैंकी जैसा माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा मिलता है, फिर हमें ऑयल डालने के लिए डिस्पेंसर मिलता है, ऑयल मिलता है, फिर वो ईयरबड मिलता है, तो वो सब मिलता है। तो उस तरह की किट मार्केट में मिलती है। तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। और देखते हो कि सफाई करने के टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो हमें चाहिए नहीं, जो ख़राब हो चुकी है। और कभी कभी क्या रहता है कि जो चीज़ें हम परचेस तो कर लेते हैं फिर उसका यूज़ हम नहीं करते, या वैसे कि वैसे ही वो पड़ी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें हम उठा के जब क्लीन करते हैं तो पीछे भी बहुत सारी मैस फैला रहता है, तो वो भी आपको क्लीन कर देना चाहिए। उसी तरह छोटे छोटे जो वॉल है, दीवार है, और नीचे टाइल्स जो फ्लोरिंग रहते हैं उसके बीच में जो भी पार्ट रहता है उसको क्लीन करने के लिए, या इस तरह का कोई भी काउंटर टॉप पे जॉइंट रहता है उसको क्लीन करने के लिए, या इस तरह के स्विचेस को क्लीन करने के, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप इस तरह के ब्रश से जो है क्लीन कर सकते हो। और नेक्स्ट आइडिया है कि यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डिश वॉशर लिक्विड भी ऐड कर देंगे, और अच्छे से झाग होने के बाद हम कोई भी जो बोतल है उसमें आपको इसको भर देना है। फिर कोई भी काउंटर टॉप हो गया या नीचे की फ्लोरिंग वगैरह हो गई वो उसको क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और देखो कितना चमक रहा है, एकदम अच्छा सा DIY स्प्रे है जो आप बना कर भी रख सकते हो, और इस तरह के जो स्टील के बर्तन रहते हैं उसको क्लीन करने के लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो भी ज़्यादा इस तरह के बर्न हो चुके हैं बर्तन उसको जल्दी से क्लीन करने के लिए। यहाँ पर है जीप का मैंने किचन ऑल पर्पज किचन का जो क्रीम है वो ले लिया है, उसमें छोटे छोटे माइक्रोफाइबर क्रिस्टल रहते हैं जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इस तरह का गैस स्टोव मैंने ले तो लिया है, बहुत ही रिग्रेट फील होता है कभी कभी, इतना क्लीन करना पड़ता है, सारी चीज़ें गिर के बाहर आ जाती है, और इस तरह से टाइम देते हुए मुझे क्लीन करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा ये जीप वाला जो आइडिया है इससे मेरा थोड़ा काम है वो थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि पहले मुझे घिसना पड़ता था, फिर रखना पड़ता था, फिर जाके फिर से घिस के मैं धोती थी तब ये अच्छा होता था। तो जीप वाला जो ऑप्शन है स्टील के कोई भी पार्टिकल्स में वो बहुत ही अच्छा बढ़िया सा काम करता है। तो यहाँ पर मेरा गैस स्टोव भी क्लीन हो चुका है, और वो जब भी गैस स्टोव पे कुछ भी गिरे तो तुरंत ही आपको क्लीन करना है, वरना आप घिस घिस के थक जाओगे। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हो नींबू का एक आइडिया है, जो गैस स्टोव के पीछे हमने वॉल स्टिकर लगाया है, आपको दिख रहा होगा ऑयल के जो स्पॉट है वो। तो यहाँ पर क्या करना है कि बेकिंग सोडा में सॉल्ट करते, सोल्ट क्या करेगा स्क्रबिंग जैसा काम करेगा, तो नींबू लेके फिर इसमें ऐड करके फिर आपको इसको रब कर लेना है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा जब भी मैस फैलता है तो तुरंत ही आप कर देते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये देखो 5 मिनट में हमारा ये सब हो चुका है, और अभी ऑयल पार्टिकल्स जो लगे हुए थे वो भी नहीं दिख रहे। और इस तरह का जो तवा रहता है रोटी के लिए
लिए। उसमें भी मैं जीव का ही यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो। फिर हम वायर का स्क्रब लेंगे थोड़ी देर। इसमें सारे ही जो मैंने हैक बताए हैं क्लीनिंग के, वो सारे ही एक दो मिनट में होने वाला क्लीनिंग, सारी ही चीज़ें है जो रेगुलरी बेस में या फिर आप कोई भी स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ें करते हैं तो थोड़ी ही देर में पूरा ही घर आपका क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो, हाँ, उसकी सरफेस कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है और शाइन भी करने लगी है। यहाँ पर देख सकते हो पूरे ही घर में ज़्यादातर कारपेट बिछाई हुई है, कहाँ कहाँ ही इस तरह की जो है फ्लोरिंग है। तो यहाँ पर मैं डेक का जो डिसइंफेक्टेड जो लिक्विड रहता है उससे क्लीन कर देती हूँ। यहाँ तो डिसइंफेक्टेड तो होगा ही, ये साथ में जो टाइल्स के बीच में जो जॉइंट रहता है जिसमें ब्लैक ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं, आप देख सकते हो, तो उसको भी क्लीन करने के लिए एकदम ही इजी तरीका है। पहले मैं क्या करती थी, टाइल को घिसती थी कभी कभी और बहुत ही टाइम लगता था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट मिल गया है। तो आप देख सकते हो तुरंत ही हाथ लगाने से ही ये सारा ही ब्लैक जो है वो चला जा रहा है। तो इस तरह की क्लीनिंग बास्केट भी मैं रखती हूँ। ज़्यादातर जो भी चीज़ें कभी कभी मुझे क्लीन करनी रहती है वो सारी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर रखती हूँ। ग्लास क्लीनर जो है फाल्कन का मैं टीवी में यूज़ करती हूँ, और जो होम मेड का था वो मैं विंडो को क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ग्लास क्लीनर है उसका मैं यूज कर रही हूँ, और साथ में टीवी के साइड वाले जो पोर्शन है चारों ओर के वो कभी कभी रह जाते हैं, और फ्रंट साइड का ही हम क्लीन करते हैं। तो इस तरह से जो भी दिखाई देता है आसपास वो सारा ही क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट अभी मेरा जो है कपड़े में लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि उसका भी यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है विंडो क्लीनिंग की बारी। तो मुझे देख के और इस तरह का स्प्रे करके मेरी बिटिया को भी ऐसा लगा कि मुझे भी स्प्रे करना है, तो वो बोल रही थी मेरा भी वीडियो लगाओ। तो इसीलिए फिर ये फर्नीचर का जो वुडन फर्नीचर है उसको पॉलिश करने के लिए ये प्रोडक्ट आता है, तो उसका यूज़ में इस तरह का वाइट वुडन फर्नीचर रहता है उसके लिए यूज़ करती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, ऊपर से जब भी प्रोडक्ट ऐड करो तो उसे रखना नहीं पड़ता, तुरंत ही आप क्लीन कर सकते हो, और कोई भी एफर्ट डालना नहीं पड़ता, कोई भी हार्ड वर्क आपको करना नहीं पड़ता, खाली कपड़ा लेके आपको पोंछ देना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसी तरह के जो भी ये डोर वगैरह है, बहुत सारे वुडन फर्नीचर हमारे घर में रहता है, इसका यूज आप कर सकते हो। फिर से मैंने जीफ क्रीम ले लिया है, और ये सारी जो सिंक वगैरह है घर के टैप्स वगैरह वो सारा ही मैं क्लीन इसी जीफ से करती हूँ। जीफ मेरे ख्याल से मेरा जो डेली वाली जो क्लीनिंग रूटीन है उसमें आधा से ज़्यादा चीज़ों में जीफ का ही यूज़ मेरा होता है। और ये वीडियो थोड़ा क्या है कि 11 मिनट का हो चुका है, क्योंकि क्या है कि पूरे ही घर की क्लीनिंग किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में की जाए और कम से कम बजट में की जाए और ऊपर से कम मेहनत और टाइम में की जाए, क्योंकि ये सारा ही टाइम और जो भी चीज़ें रहती है उसका हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें, वो टाइम हम अपने लिए सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी हो चुकी है, सभी चीज़ों की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, विनेगर लिया, फिर मैंने डिशवॉशर लिक्विड लिया है, प्रिल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें है उसको क्लीन करने के लिए हम इस क्लीनर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह की चेयर वगैरह जो भी आपके घर में प्लास्टिक की चीज़ें है उसको क्लीन करने के लिए आप डिश वॉशर लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर बेकमैन का मैंने ओवन क्लीनर ले लिया है। यहाँ पर भी मैं स्टील का, मेरा जो ओवन रहता है उसकी इनर बॉडी स्टील की है,
तो मैं क्या करती हूँ, जीप भी यहाँ पर मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो क्लीनर छिटकने के बाद बस आपको कोई भी क्लोथ से इसको रब करके क्लीन कर लेना है। फिर कारपेट शैम्पू की बात करते हैं, तो बिग डी का मैं यहाँ पर कारपेट शैम्पू यूज़ करती हूँ। बस आपको इस एक ढक्कन ले लेना है और इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर देना है। फिर से कोई भी कपड़ा लेके आपको कारपेट में बस आपको इसको रब कर लेना है। ऑटोमेटिकली सूख जाता है, वो अच्छी सी खुशबू देता है। जो भी कीटाणु या जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सारा ही इसमें से निकल जाता है और एकदम क्या है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बस इस तरह से थोड़ा ये काम है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा स्पेस में क्लीन करो तो क्या होगा कि आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह हम डोरमेट रोज रोज तो क्लीन नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप जैसे हम कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं उस हिसाब से इसी क्लीनर का यूज़ करके मैंने सारे ही मेट को भी आगे पीछे क्लीन कर लिया है और ऑटोमेटिकली सूख भी जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल भी लगा होगा।